तो दोस्तों यहाँ पर हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं ओप्पो रियलमी के वन के बारे में। ये काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन हो सकता है, कि फ्लैगशिप किलर भी हो सकता है। काफ़ी कुछ जो है ओप्पो ने यहाँ पर नया किया है, इसके अंदर काफ़ी अलग से हटके जो है डिवाइस निकाल कर दिया है। लेकिन जल्दी से जो है समय ना गंवाते हुए यहाँ पर बात कर लेते हैं पूरे स्पेसिफिकेशन की। अभी आपको कहीं नहीं जाना है, वीडियो को आगे और देखना। शायद आपको एक स्मार्टफोन अगर लेना है या फिर आप फ्यूचर में लेने वाले हैं तो हो सकता है आपके ये बातें जो है काम आ जाए। तो आगे वीडियो को यहाँ पर देखते रहें। दोस्तों मेरा नाम राकेश और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं ओप्पो रियलमी के वन के बारे में, इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाली हैं। सिंपल सा दिखने में जो है इस प्रकार का ये दिखने वाला है, और ये वीडियो बना रहा हूं तो दो दिन बाद जो है लॉन्च भी हो जाएगा। तो उससे पहले जो है स्पेसिफिकेशन कंप्लीटली यहाँ पर मेरे पास आ चुकी हैं। तो इसके अंदर ऊपर की तरफ सामने का हिस्सा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, उसके साथ दो यहाँ पर सेंसर मिलते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और लाइट एम्बिएंट सेंसर जो है कैमरा की तरह दूर चिपका दिए हैं ओप्पो ने। डिस्प्ले जो है काफ़ी बढ़िया इसमें दी गई है, 6.4 इंचेज की जो है इसमें 2340x1080 पिक्सल की AMOLED डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलती है। तो काफ़ी कमाल कर दिया ओप्पो ने पहली बार, मतलब IPS से पीछा छुड़ा गया, यहाँ पर AMOLED पर पहुँच गए हैं। इसका जो आपसे रेशियो की बात करें तो 19:5:9 का इसमें दिया गया, मतलब ऊपर तो वाटर ड्रॉप नॉच है लेकिन नीचे जो एक पतली सी बेजल फिर भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बात कर लेते हैं इसके अंदर CPU की, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का यहाँ पर ओक्टा कोर CPU रहने वाला है, 1.8 के गाच के ऊपर 4 कोर्स, वहीं पर जो है 1.7 के गाज के ऊपर चल सकती हैं दूसरी 4 कोर्स, मतलब ये मल्टी कोर्स को यहाँ पर सपोर्ट करने वाला है। तो कपल्ड यहाँ पर टोटल या फिर राउंड फिगर में मिलाकर चलें तो 1.95 के गाज के ऊपर आराम से जो आपको स्पीड यहाँ पर निकाल कर देता है। तो काफ़ी कमाल की बात है। CPU जो है 660 काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सुधरने वाले नहीं है ओप्पो और वीवो जो है स्नैपड्रैगन 845 का सपोर्ट कभी भी नहीं देने वाले हैं। नॉर्मल जो डिवाइस यहाँ पर निकालते हैं डेली उनके अंदर एंड्रॉइड 512 का जो है इसमें GPU दिया गया है, तो गेमिंग के हिसाब से जो है ठीक ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहने वाला, मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस है जो हैवी गेम्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर GB के अंदर निकल के आते हैं प्ले स्टोर के ऊपर, वो या फिर कुछ गेम्स जो हैं यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे। और स्टार्टिंग में जो है नेटफ्लिक्स को भी ये सपोर्ट नहीं करने वाला, शायद कुछ अपडेट्स वगैरह निकाल कर कुछ यहाँ पर फिक्स कर दे। ये बातें तो लॉन्च से पहले ही निकल के आ चुकी हैं, तो नीचे कमेंट में बताएं ज़रूर आपकी क्या राय है। अब बात कर लेते हैं इसमें रैम और रोम की। तो रैम के अंदर आपको यहाँ पर दो वेरिएंट मिल जाएंगे, तो 4GB और एक 6GB। 4GB के साथ यहाँ पर 64GB है, वहीं पर 6GB के साथ 128GB का यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की। तो कैमरा के अंदर कुछ यहाँ पर AI का सपोर्ट दिया गया है, तो रियर कैमरा जो है 16+2 मेगापिक्सल का यहाँ पर दिया गया है, और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर डेप्थ सेंसर होने वाला है। तो पूरा जो है काफ़ी मज़ेदार है। तो 16 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल सेंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अपर्चर 2.0 की यहाँ पर बातें हो रही हैं। अगर 1.8 भी रहा तो काफ़ी मज़ा हो जाएगा। वैसे 1.8 और 2.0 में इतना ज़्यादा भी यहाँ पर फर्क नहीं रहने वाला है, बस थोड़ा सा यहाँ पर लाइट जो है अप और डाउन आपको देखने को मिल सकती है, बस इतना यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन कैमरा सेटअप की बात करूँ तो पीछे जो 16+2 मेगापिक्सल दिया गया पोर्ट्रेट मोड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इतना कैमरा यहाँ पर काफ़ी है, तो बढ़िया सा जो है आपको फोटो निकाल कर ये दे देगा। बात करते हैं यहाँ पर सेल्फी कैमरा की। तो 25 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर यहाँ पर दिया गया है, प्लस जो है ब्यूटिफिकेशन मोड भी जो इसमें दिया गया है, AI का सपोर्ट, और इसमें जो है फेस अनलॉक की सुविधा भी दी गई है। वहीं पर जो है अपर्चर 2.0 की इसमें भी बातें हो रही हैं, तो 25 मेगापिक्सल के साथ फेस अनलॉक तो आराम से यहाँ पर हो जाएगा। ब्यूटिफिकेशन मोड तो वैसे ही ओप्पो और जो वीवो है उन दोनों की यहाँ पर खासियत ही रही आज तक, तो देखते हैं क्या कमाल कर पाता है। वैसे आपके पास 25 मेगापिक्सल का कैमरा है अगर फ्रंट में या फिर सेल्फी वाला, तो आप क्या करने वाले हैं नीचे कमेंट में बताएं जरूर, और कितनी खुशी आपको यहाँ पर होने वाली है वो भी नीचे कमेंट में बताएं जरूर। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें मिल जाएगा, ये एक बहुत ही मतलब बढ़िया ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल रहा है। बात करते हैं मेमोरी कार्ड की, तो लगभग 400GB का इसमें सपोर्ट बताया गया, ड्यूल सिम और ड्यूल 4G का सपोर्ट इसमें आपको मिल जाएगा, LTE सपोर्ट ये कर लेगा, तो काफ़ी बढ़िया है। बात करते हैं इसमें वाईफाई ब्लूटूथ की, तो वो दोनों तो यहाँ पर मिल रहे हैं, साथ ही आपको GPS मिल रहा है। तो वाईफाई भी यहाँ पर जो है 4.5 दिया जा रहा है, 5.0 स्किप कर दिया गया, और ब्लूटूथ भी 5.0 स्किप करके इसमें 4.5 मतलब अभी तक दिया गया है। हो सकता है इसमें ब्लूटूथ से ज़्यादा दे दिया जाए और वाईफाई कम, लेकिन दोनों यहाँ पर लेटेस्ट आपको नहीं मिलने वाले हैं। USB टाइप सी की यहाँ पर बातें हो रही हैं, लेकिन अगर माइक्रो USB मिल जाती है तो उससे कोई फ़र्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद जो है पता चल रहा है कि USB टाइप
सी इसके अंदर मिल सकती है आपको। और 3500 यानी 3500 mAh 3500 mAh की बैटरी जो इसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। AI फास्ट चार्जिंग का यहाँ पर सपोर्ट बताया गया कंपनी की तरफ से है। कुछ लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे कि चार्जिंग के अंदर AI का क्या काम है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ है पहले, तो वो जाकर देख ले, उसके अंदर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि चार्जिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है। तो ये थी दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन, जो जो स्मार्टफोन में होने वाला है वो सब यही है, इसके अंदर जो है यही मिलने वाला है। अभी बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो प्राइस जो है इसकी लगभग 22,000 से 25,000 या फिर 24,990 रुपए के आसपास यहाँ पर रह सकती है। अभी प्राइस जो है मैं कंफर्म यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपकी भी यहाँ पर राय जानना चाहूंगा प्राइस के मामले में और इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो मुझे कमेंट में बताएं जरूर आपकी क्या राय है इन दोनों के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। लाइक कर दे वीडियो को, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स को, कोई सवाल है कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करें, रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।